फिल्मकार एक मैथ्स टीचर थे जिन्होंने फिल्मी पाठशालाओं में जिंदगी की कई पहेलियों कहानियों को अपनी फिल्मों किरदारों से बयां किया। वे हिंदी सिनेमा के ऐसे फनकार थे जो बड़ी बड़ी बातों को सरलता से कह जाते थे। उनसे धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन जैसे सितारे खौफ खाते थे। उन्हें अमिताभ बच्चन अपना गॉडफादर कहते थे। यहाँ ऋषिकेश मुखर्जी की बात हो रही है जिन्हें बिग बी से एंग्री यंग मैन का टैग हटाने का श्रेय जाता है। आनंद मरा नहीं, आनंद मरते नहीं है। वाकई 1971 से ही आनंद हमारे बीच है और इसे हम तक पहुंचाया ऋषिकेश मुखर्जी ने। डायरेक्टर जो अपने काम में माहिर थे और अक्सर कहते थे सादगी से अपनी बात कहना आसान नहीं। बावर्ची में उनका किरदार भी तो यही कहता है, खुश रहना सरल है लेकिन सरल होना मुश्किल है। ऋषिकेश दा को सिंपल कमर्शियल सिनेमा करने में महारत हासिल थी। फिल्में चुटीले अंदाज में बड़ी बात कह जाती थी। सहज रिश्तों को बुनने में दादा का कोई सानी नहीं था। किस्सा गो थे ऋषि दा। खुद अमिताभ बच्चन मानते थे कि कहानी कहने की कला उन जैसी विले ही किसी के पास थी। बिग बी पर लगे एंग्री यंग मैन का टैग खुरच कर फेंकने का श्रेय मिडिल क्लास के किस्सा गो ऋषिकेश दा को जाता है। ऋषि दा भाषण नहीं देते थे, उनके सिनेमा को लेखक रमेश ह्यूमन सिनेमा कहते थे। एक टैग भी दिया गया मिडिल ऑफ द रोड का। आखिर मिडिल ऑफ द रोड ही क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि किरदार गुर्बत का रोना नहीं रोते दिखते थे बल्कि पढ़े लिखे पक्के घर में रहने वाले और अपनी जड़ों से जुड़े होते थे। डायलॉग फिल्मों की जान थे। गोलमाल का राम प्रसाद हो, चुपके चुपके के जीजाजी हो या फिर खूबसूरत की गर्म मिजाज सासू माँ, जेनरेशन गैप को फिल्म बड़े अदब से करते थे। धर्मेंद्र और अमिताभ जैसे स्टार्स किसी से डरते थे तो वो ऋषिकेश मुखर्जी ही थे। खाली कैनवास को भरने का काम भी सबसे जुदा था। अमिताभ ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि सेट पर पहुंचकर स्क्रिप्ट का पता चलता था। वही जानते थे कि सीन क्या है। दादा खुद इनेक्ट करके दिखाते थे। बेहद साधारण तरीके से असाधारण बात समझा जाते थे। डायलॉग महज उनके किरदारों के लफज नहीं थे बल्कि कई परिवार उनसे खुद को कनेक्ट कर पाते थे। बरसों बाद भी उत्पल दत्त का उचक कर कहना बेटा राम प्रसाद हो या फिर चुपके चुपके के जीजाजी का हिंदी प्रेम में कहना लोहपत गामिनी विश्राम स्थली, सभी कुछ ऐसा था जो वर्षों बाद भी दिमाग की स्लेट से मिटा नहीं है। ऋषि दा ने डायरेक्ट की थी 42 फिल्में। किरदारों से ऋषि दा का खास लगाव था। 42 फिल्में डायरेक्ट की जिनमें कहानी आम सी थी पर ट्रीटमेंट बेजोड़। 30 सितंबर 1922 को जन्मे ऋषिकेश मुखर्जी फिल्म मेकर बनने से पहले मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। शायद इसलिए सिनेमाई पर्दे की पहेलियों को आसानी से सॉल्व करने का हुनर रखते थे। फिर मुंबई में कैमरे को समझा, एडिटिंग की बारीकियां जानी और तब जाकर 42 फिल्में गई। ये रिश्तों को बुनती थी। 1966 में आए अनुपमा में बेटी और पिता के प्यार पर फोकस किया तो आनंद और नमक हराम में दोस्ती का जश्न मनाया। गोलमाल, चुपके चुपके, खूबसूरत ने हंसाया तो सत्यकोम ने सिस्टम के करप्शन को बखूबी सिल्वर स्क्रीन पर पोर्ट्रे किया। एक बात खास थी इनकी फिल्म में और वो थी नेगेटिव किरदारों को तवज्जो न दिया जाना। 42 में से ऋषि दा को अपनी 15 फिल्मों से खास लगाव था। बिना लाग लपेट के कहते थे कुछ भी कहे, मेरा मानना है कि मेरी 15 सर्वश्रेष्ठ निर्देशित फिल्में आनंद, मेन दीदी, नौकरी, सत्यकोम, गुट्टी, बावर्ची, चुपके चुपके, अर्जुन पंडित, गोलमाल, अभिमान, रंग बिरंगी, नमक हराम, आशीर्वाद और अनाड़ी हैं। हिंदी फिल्म को सहज सर्वप्रिय बनाने वाले ऋषिकेश मुखर्जी का 27 अगस्त 2006 को मुंबई में इलाज के दौरान निधन हो गया। अमिताभ, अमोल पालेकर जैसे कलाकारों की प्रतिभा को बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले इस मास्टर को बिग बी अपना गॉडफादर मानते थे। 92वीं जयंती 2014 पर अपने ब्लॉग में बिग बी ने आखिरी मुलाकात का जिक्र किया था। लिखा था, अस्पताल के बिस्तर पर लेटे ऋषि दा ने मुझे अपनी ओर आने का इशारा किया और कांपते हाथों से मेरे सिर पर हाथ रखने के बाद वहां से जाने का इशारा कर दिया। अगले दिन उनकी मौत की खबर आई।